मेरे सभी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम दिए जल उठे अध्याय का एक संगोष्ठी पेश करने जा रहे हैं, जो मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कहानी है। दाढ़ी यात्रा की तैयारी के सिलसिला में वल्लभभाई पटेल रासा पहुंचे। वह उन्होंने लोगों के आग्रह पर दो शब्द कहे, तभी मजरिट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें स्थानीय कलेक्टर शील ने गिरफ्तार कराया। यह गिरफ्तार स्थानीय कलेक्टर शील के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से फगा दिया था। बोरसद की अदालत में पटेल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जज ने उन पर 500 रुपये जुर्माने लगाया तथा 3 महीने की जेल सुनाई। गांधी जी के साबरमती आश्रम में सूचना दी गई। वो बहुत परेशान हुए। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। आश्रम वासी पटेल के एक इलक पाना चाहते थे। इसके लिए सब आश्रम वासी गांधी जी के साथ सड़क में निकल आते। यही सड़क से ही पटेल को जेल ले जा रहा था। उन्हें लेने वाला मोटर वह रुके और गांधी जी और पटेल का संक्षिप्त मुलाकात हुआ। वापस जाने पर पटेल ने गांधी जी और आश्रम वासियों से कहा, मैं चलता हूँ, आपकी बारी है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पटेल पर मुकदमा चलाए बिना जेल भेज देने की निंदा की गई। इसी प्रस्ताव के संबंध में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि सरदार वल्लभभाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। गांधी को राज पहुंचने के समय बहु कानून लोग था, जिसकी तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। अगर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनकी जगह डंडी यात्रा के लिए अब्बास त्याबाजी तैयार था। सत्याग्रह बहुत आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब गांधी को जलालपुर तक नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी को फफ्फे सबगांत हुआ। उन्होंने अपनी भाषण में दरबारी का उलोंग किया। उन्होंने गोपाल दास और रविशंकर महाराजी से दरबारी की प्रशंसा की। बायुंकी बह आपत्ता रशा आराम जिंदगी चिढ़ाकर यहां आकर बस गया। भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च के साबरमती के तट कर होने वाली थी। नेहरू इससे पहले गांधी जी को मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया और उसके जवाब में गांधी जी ने एक पत्र लिखा। उन्होंने उसमें कहा कि तुम्हें पूरी एक रात जागना पड़ेगा। उस समय में कहा भी हूँ संदेशवाहक तुम्हें उस जगह ले आएगा। तुम्हें रात के 2 बजे को मछुआरों के खंडों कर बैठकर नदी पर करना पड़ेगा। वल्लभभाई पटेल की गिरफ्तारी के कारण आम आदमी लोगों में सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी जी की जनसभा से पहले सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें इस्तीफा सौंपा गए। दांडी कूच शुरू होने से पहले हो गांधी जी ने निश्चय कर लिया कि वह
राजकराने के इलाके में नहीं जाएंगे बल्कि ब्रिटिश आधिपत्य वाले इलाके से ही जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें कुछ देर के लिए बड़ौदा रियासत में गुजरना पड़ेगे, वरना यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। एक धर्मशाला था, गांधी जी को ठहराया और साथ सत्याग्रही आए थे, उनके लिए तंबू लगाया क्योंकि वह रुके रास में वह लोग रहते थे। वे 3,000 थे, तब जब जनसभा आए तो 20,000 से ज़्यादा लोग थे। गांधी जी ने अपने भाषण से कहा कि थे ये गिरफ्तारी उन्हें मिली क्योंकि वह अपनी सेवा में है। बहुत सारे लोग अभी भी सरकार के नौकरियां करते थे और गांधी जी ये भी कहा कि जब तक आप सरकार की नौकरियां करते रहेंगे तब तक आज़ादी की बाग नहीं ले सकते। और कुछ लोग हमसे भी मिले हुए और सरकारी लोग से भी मिले हुए हैं, उन्हें भी अपना स्वार्थ छोड़ देना चाहिए और देश के लिए अन निकरियों से इस्तीफा देकर संपूर्ण रूप से भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में आना चाहिए। गांधी जी ने यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करके दीन मां की सजा देजे तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोह के लिए सरकार मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। गांधी जी ने यह भी पूछा कि मेरे जैसे लोग राजद्रोही होते हैं तो उन्हें क्यों सजा मिलनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि सत्याग्रही रात से शाम 6 बजे चले और 8 बजे कनकपुरा पहुंचा। जब सभी लोग कनकपुरा पहुंचा तो उस समय लोग उस यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस शंक से भी थी कि वे सभी लोग मही नदी को कब और कैसे पार करेंगे। लेखक बताते हैं कि कनकपुरा में 105 साल का एक बूढ़ी महिला ने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और उनसे कहा कि वे अंग्रेजियों से स्वराज लेकर जल्दी वापस आ जाएं। यात्रा के दौरान रास्ते में रेतली सड़कों के कारण ये प्रस्ताव किया गया कि गांधी जी थोड़ी यात्रा कार से कर ले, परंतु गांधी जी ने इस प्रस्ताव से साफ इनकार कर दिया। गांधी जी के अनुसार जिस यात्रा में कष्ट सह जाए, लोगों के सुख दुख समझा जाए, वही सच्ची यात्रा होती है। ब्रिटिश के एक समूह ने सोचा कि गांधी जी और उनके साथी अचानक से नमक तो बनाकर कानून तोड़ देंगे। समृद्धि नदी के किनारे काफी नमक छूट जाता था और उसकी सुरक्षा के लिए सरकारी नमक चौकीदार रह जाते थे। गांधी ने कहा था कि वह नमक बनाया जा सकता है, लेकिन ब्रिटिश ने वह नमक नष्ट कर दिया ताकि खतरा ना रहे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुर में गांधी के भाषण के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी, पर इसमें बदलाव आ गया था। उन्होंने तय किया कि नदी के आधी रात को समृद्धि का पानी चढ़ने पर पार किया जा सकता था, क्योंकि कम से कम कीचड़ और दलदल पर ना चलते वक्त लोगों ने कहा था कि गांधी को कंधे पर उठा लें। लेकिन गांधी ने कहा कि यह एक धार्मिक यात्रा है और चलकर पूरी करेंगे। अब लेखक बताते हैं कि माही नदी के किनारे पर जो है बहुत ही गहरा अंधकार रात थी, लेकिन उस अंधेरे रात में भी वहां पर एक मेला जैसा लगा हुआ था। वहां जो है भजन मंडलियां लगी हुई थी, सभी भजन कर रहे थे।
और लेखक बताते हैं कि जो दरबारी लोग दांडिया जो रास होता है उसमें कुशल थे, उसमें निपुण थे, और उनका जो गीत था बोल कुछ इस तरह से था। देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास सरकार का नास, देखो विठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। दांडिया जो है एक प्रकार का नृत्य है और निपुण कह जाता है कुशल को। अब लेखक बताते हैं कि गांधी को उस माही नदी को पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसलिए नई नाव खरीदी थी कि रघुनाथ काका जो है वो पुराने नाव में गांधी जी को नहीं ले जाना चाहते थे। उन्होंने एक नई नाव खरीदी और उसको लेकर कनकापुरा पहुंच गए थे। अब लेखक बताते हैं कि जो बदलपुर के रघुनाथ काका थे उनको सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया था। निषाद राज जो है उन्होंने राम जी को नदी पार कराई थी, इसलिए रघुनाथ काका जिन्हें गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए रघुनाथ काका को जो सभी निषाद राज कह रहे थे। और लेखक ये भी बताते हैं कि जो रघुनाथ काका है उनके पास बदलपुर में बहुत ज़्यादा जमीनें थे और उनके पास जो है बहुत सारे नावें भी थी, लेकिन उन नावों के होते हुए भी जो है रघुनाथ काका ने गांधी जी को पार कराने के लिए एक नई नाव खरीदी थी। अब लेखक बताते हैं कि वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी के हाथों में दिए थे। लेखक बताते हैं कि जो थे नजारा, नजारा के मतलब है दृश्य था, ये नदी के एक ओर ही नहीं था दूसरे ओर भी था, क्योंकि दूसरे ओर भी जो है पूरा गांव और आसपास से आए हुए लोग हैं वो गांधी को उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे अपने हाथों में दिए की रोशनी ले। रात में 12 बजने पर महीसागर नदी का किनारा भर गया और पानी चढ़ाया। गांधी जी अपने झोपड़े से बाहर निकले और महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय के नारों के आवाज में वह घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंची। नाव चलाने का काम रघुनाथ काका का था। कुछ ही देर में यह नारों की आवाज दूसरा किनारा से भी आने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह नदी का किनारा नहीं पर पहाड़ की घाटी हो। महीसागर के दूसरे तट पर भी कीचड़ और दलदली जमीन थी। यह पूरी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा था। गांधी जी 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर रात 1 बजे को दूसरा किनारा पहुंचे। उसके बाद वह एक झोपड़े में विश्राम करने गए। गांधी जी के पहुंचने के बाद भी कई लोग दिए लेकर तट पर खड़े थे। अभी सत्याग्रहियों को भी नदी को पार करना था। शायद उन्हें पता था कि रात में नदी पार करने के लिए और लोग आएंगे। हमारी संगोष्ठी पर ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी इस अध्याय को समझ गए होंगे। आपका शुभ दिन हो।